इतना ज्यादा कमेंट कर दिया है, तो इसलिए मुझे अय्यागंज पे आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। तो चलिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। और आज आप लोगों को मैं सब कुछ बर्तन बर्तन दिखाती हूँ, तो यहाँ मैं आप लोगों को डिसीजन में पूरा लिंक दे दूंगी कैसे आप लोगों को यहाँ विजिट करना है। वैसे यहाँ पे गुरुद्वारा से स्टार्ट हो जाती है पूरी लाइन बर्तनों की, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को तो फ्रेंड्स, अगर आप अमीनाबाद चौक साइड से आ रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आप लोगों को आना है, तो ये मज़ार आपको मस्जिद मिल जाएगी, उसी के बाद आपको सामने देखेंगे तो गुरुद्वारे का बोर्ड लगा होगा, वो जो गली मैंने आपको दिखाई, तो वहाँ से सीधे सीधे आ जाएंगी, तो यहाँ से आपको बर्तनों की दुकान स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप नखास साइड से रहती हैं, नखास साइड से आ रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे तब आपको बर्तनों की दुकान पड़ जाएगी। एक किलोमीटर तक पूरी फैली रहती है बर्तन की दुकान। मैं अपोजिट साइड थी गुरुद्वारे तरफ से, मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हवन कुंड आपको मिल जाएगा स्मॉल साइज का, 130 रुपए का मिल जाएगा, लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल साइज के, जैसे आप लोगों को चाहिए, नवरात्रि में जरूरत पड़ेंगे ही हम लोगों को। और ये बिल्कुल पतली पतली गलियां हैं अय्यागंज की, तो यहाँ पे आज हम पूजा का सामान आप लोगों को दिखाते हैं पूरा, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, आप लोगों को दिए की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये पूजा में जो हम लोग दिया यूज करते हैं, वैसे ये 220 रुपए लिखा है, बट ये 110 रुपए का है होलसेल में। अगर आप रिटेल में लेंगे तो 115 या 120 रुपए का मिलेगा, क्योंकि जब 12 लेते हैं तो थोड़ा सा प्राइस कम जाता है, और जब आप सिंगल लेते हैं तो थोड़ा सा 10-20 रुपए ज्यादा पड़ता है। तो ये होलसेल रेट पे 205 रुपए का ये वाला दिया, और रिटेल रेट पे अगर आप लेंगे तो 225 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ पे बस 10-5 रुपए का फर्क पड़ेगा, बट एक सिंगल भी आप लोगों को दे देंगे मार्केट से तो सस्ता ही पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे अगरबत्ती स्टैंड मिल जाएगा 10-15 रुपए में, तो आप ये ले सकते हैं। और यहाँ पे अगरबत्ती स्टैंड छोटा बड़ा था, यहाँ पे देखिए मिश्री रखने वाला होता है, ये 60 रुपीज का है, तो आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये ना घंटी बांधने वाली है, ये 50 रुपीज लिखा था, बट ये 30-40 रुपीज में आपको मिल जाएगी, सबसे छोटी थी ऐसी, इसमें बड़ी बड़ी मीडियम साइज की है। और ये ना घंटी जो हम लोग मंदिर में बजाते हैं वो थी मीडियम साइज की, ये 50 रुपीज की थी, उससे थोड़ी सी बड़ी 120 रुपए की थी। और ऐसे आप ले सकते, यहाँ पे दिया जलाने वाला ले सकते हैं, तो ये दिया भी देखिए 60 रुपीज का था, छोटा सा है ये स्मॉल साइज का। और यहाँ पे आपको बड़ा भी मिल जाएगा जो 24 घंटे दिया जलेगा, तो 320 रुपए, 400 रुपए ऐसे ही है। यहाँ पे आप लोग दिया देख सकते हैं, तो ये वाला देखिए पूरा जो खंड में बंद है, ये 320 रुपए का था। ये डलिया है यहाँ पे फूल रख के ले जाने के लिए, ये भी आपको 200 रुपए तक की मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप कटोरी भगवान को भोग लगाने के लिए चाहिए होता है, वो भी आपको 10-15-30 रुपए मिल जाएगा, साइज के ऊपर डिपेंड है आप लोग कितना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, घंटा आप लोगों को 560 रुपए केजी मिल जाएगा। और मंदिर पर जो शिखर लगता है, तो ये जो मटकी मटकी है ये है शिखर, तो ये 1500 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे आप लोग बड़ा छोटा चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। चलिए, अभी नवरात्रि आएंगे, आप लोगों को कन्याओं को भी कुछ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थाली भी इसमें दिखा देती हूँ। तो ये जो प्लेट आप देख रहे हैं 30 रुपए की है, और ये जो भोजन थाल है जो खंडों वाली, ये आपको 50 रुपए में मिल जाएगी। तो चाहे आप 12 ले चाहे 1 ले, इनका प्राइस फिक्स ही है। और इनकी दुकान में बहुत सारी चीज़ें हैं, कटोरी चम्मच ग्लास सब कुछ है। तो यहाँ पे ग्लास जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 30 रुपये और 20 रुपये में है, क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंट है, छोटी वाली आप ले सकते हैं, ये कन्याओं को देने के लिए है, 15 रुपये में आप दे सकते हैं। फ्रेंड, भगवान को भोग लगाने के लिए 5 बर्तन हम लोग जरूरत पड़ते हैं, ये है यहाँ पे पीतल का है ये, और ये 450 रुपए का है, और इसे छोटा भी दिखा दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड, भैया के पास सब कुछ है, अगर आप लोगों को जाना है तो इनकी शॉप पे जा सकते हैं। और अभी मैं अच्छे से आपको बता दूंगी, ये देखिए यहाँ पे छोटा ये 260 रुपीज का है, और यहाँ पे ये 220 रुपए का सबसे छोटा साइज का, तो आप लोग जाना मत भूलिएगा। थोड़ा बता दीजिए आप शॉप के बारे में। सिद्धनाथ बर्तन भंडार अय्यागंज बर्तन बाजार में है, आप गूगल पर भी डालकर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ आके भैया क्या विजिट कर सकते हैं। थैंक यू भैया। फ्रेंड, जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे ना मिनी साइज का बिल्कुल हवन कुंड मिला, बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 लोगों की पूजा करने भर का है ये, 2 से 3 लोगों का, ये 100 रुपए का है मात्र, तो आप लोग देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा है, तो आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ माता रानी के मैं कपड़े भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे ये लहंगा चुन्नी है पूरा 250 रुपए में है माता रानी का, तो आप लोग ले सकते हैं, और इसमें छोटे साइज में भी आप मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लहंगा है इनका माता रानी का, तो ये 80 रुपए का है, यहाँ पे 50
₹50 में भी आपको मिल जाएंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट में, तो आप लोग यहाँ जाइएगा। उसके बाद यहाँ मैं पैदल पैदल चलने लगी, तो यहाँ पे जो आप ये पूरे बर्तन का सेट देख रहे हैं ना, चार सेट हैं, जो ये ₹850 में आपको पूरा मिल जाएगा, स्टील का है। तो यहाँ पर कटोरी, भगोना सब कुछ है, बड़े सस्ते सस्ते रेट में मिलता है, क्योंकि ये होलसेल दुकान है अय्यागंज की। और फ्रेंड ये देखिए पतली पतली गलियों में पूरा सागर है यहाँ पे बर्तनों का, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो अगर आप लोगों को कॉपर के बर्तन में पानी पीना पसंद है, तांबे के बर्तन में रख के पीना है, तो यहाँ पे आपको ₹1500 किलो के हिसाब से मिल जाएगा। जैसा आप लेना चाहे छोटा बड़ा, तो उसके हिसाब से रेट बढ़ता रहेगा। स्टैंड भी मिल जाएगा ₹250-300 में। तो फ्रेंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, तो यहाँ पे हमको ये बढ़िया सी दुकान मिल गई। ये बड़े घंटे इतने बड़े बड़े थे, मंदिरों में ही टंगते हैं जो ना, वो यहाँ पे माता रानी की देखिए मूर्ति है, ये ₹1200 किलो के हिसाब से है। तो ये पीतल की है, प्योर पीतल की बोल रहे थे। तो आप जो भैयागंज जा रहे हो, तो पहले सब पूरा ढूंढिए, उसके बाद ही कुछ भी खरीदिए। तो अंदर से मैं दिखा दे रही हूँ, इतनी ज्यादा भीड़ थी, और ये सब रिटेल शॉप है ना, तो ये सब ना ठीक से बताना नहीं चाहते कुछ भी। एक और शॉप पे विजिट कर चुके हैं, तो अंकल आप अपनी शॉप के बारे में बता दीजिए। डब्लू तामा वाला है, तो आप अंकल की शॉप पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी अंदर चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है। तो यहाँ अंकल की शॉप पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कटोरी, चम्मच, चिमचा, चाय की छन्नी, जो भी घर में हम लोग नेसेसरी चीज़ें यूज़ करते हैं वो हैं। तो अभी यहाँ पे आप ना फिर से मैं नवरात्रि पे कन्याओं को देने के लिए ये प्लेट दिखा रही हूँ फूलों वाली, तो ये ₹30-25 की है, और ये थोड़ी हैवी साइज़ की, अगर कोई लोग ज़्यादा जिसका बजट हो वो लेना चाहे तो ये ₹110 की है। और यहाँ पे ना शादी में जो हम लोग मटका यूज़ करते हैं रखने के लिए, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा किलो के हिसाब से, बट ये पूरा डिज़ाइनर मटका जो है ये ₹2200-2300 का बता रहे थे, प्लेन में भी आपको मिल जाएगा, तो थोड़े कम रेट में मिलेगा ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये पानदान मिल जाएगा, ये ₹4200 तक का है, और कम में भी मिल जाएगा, अंकल को बहुत एग्जैक्ट रेट नहीं पता था, तो इसके अंदर ये पूरा मैंने खोल के दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अल्मोनियम के आपको बर्तन देखने मिल जाएंगे, जो भगोने यूज होते हैं, जिनको शॉप वॉप ओपन करनी है वो ले सकते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं। ये फ्रेंड इतना बड़ा सा तवा था, तो ये यहाँ पे ₹110 किलो के हिसाब से था, ₹1000-1000 का था। ये चाउमिन बनाने वाला था, यहाँ पे भट्टी भी आपको मिल जाएगी। तो इन अंकल की शॉप में सब कुछ है, तो मैं तो इनके गोदाम में भी पहुंच चुकी हूँ, तो जीने जीने पे बर्तन इनका रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ जब मैं ऊपर पहुंची, तो यहाँ बहुत सारा सामान था, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ देखने मिल जाएंगी, अंकल के पास वैरायटी बहुत सारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बास सेट है इनका, ये ₹1500-2000 से इनके पास स्टार्टिंग है। यहाँ पे सात सेट वाला बर्तन है जो ₹1800 का है, और पटा बेलन भी आपको स्टील का मिल जाएगा जो ₹700 का है, और भी बहुत सारी चीजें। डिनर सेट भी है यहाँ पे ₹1500-2000-3000 से स्टार्टिंग है, तो जाके आप विजिट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।